तो गाइस इस गेम में मेरे ग्रैंडपा मतलब मेरे दादाजी ने एक होटल छोड़ के गए हैं जो कि पहाड़ों के ऊपर जंगलों के बीच में है। बट ये होटल बहुत ज्यादा गंदा है, इसमें साफ सफाई कुछ भी नहीं है, तो हमें बिल्कुल क्लीन करके इसे 5-स्टार होटल में चेंज करना है। बट उससे पहले हमें इसमें बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी लोग चैनल पर नए हो यार, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ऐसी ऐसी वीडियो आने वाली है वो भी डेली। ऑलराइट गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो हम बस के अंदर बैठ चुके हैं और हम जा रहे हैं पहाड़ों के अंदर, पहाड़ों के ऊपर जहाँ पे हमारा होटल है। और भाई इस बस में कितने बंदे हैं, 1, 2, 3, 4। एक तो छपरी बैठी है भाई हमारे सामने, ऑरेंज बालों वाली, भाई इसे कौन बताओ यार, ऑरेंज बाल कौन कराता है। बट फाइनली हमारा होटल आ चुका है भाई, बिल्कुल पहाड़ों के बीच में। भाई सामने देखो कितना बड़ा पहाड़ है, बट यार इन पहाड़ों के बीच में हमारा होटल है जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदा है। भाई मेरे को यहीं से गंद दिख रहा है, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। बट हम आ चुके हैं और बस स्टैंड बस साइड में लग चुकी है भाई, और साइड में लग रही है, बस वाले ने रोक दिया और मैं उतर जाता हूँ यार, क्योंकि गेट भी खुल चुके हैं, उतरना पड़ेगा अब तो। और हम फाइनली उतर चुके हैं, तो थैंक यू अंकल आपने हमें यहाँ तक छोड़ा बिना टिकट के, बिना पैसे के। पता नहीं यार मेरे पास कितने पैसे पड़े हैं, बट 0 डे लिखा होगा सामने और $1400 पड़े हैं। इन $1400 में हमें अपना राइट गाइस, फाइनली हमारे सामने एक लेटर पड़ा है हमारे ग्रैंड दादाजी का, उसे हाय ग्रैंडसन, व्हाट टुक यू सो लॉन्ग, If you're reading this, okay. It means I'm long dead. भाई हमारे दादाजी मर चुके हैं। I'm proud of you and I know you will take care of yourself. Okay, हम अपना ध्यान खुद रख सकते हैं, इसलिए हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ के गए। वाह क्या बात है। तो ऑलराइट गाइस, लेटर पढ़ने के बाद मेरे को एक चीज पता लग चुकी है भाई, इस गेम में हम अपना ध्यान खुद रख सकते हैं और इसलिए हमारे दादाजी हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ गए इस खाली जगह के अलावा। तो ये हमारे दादाजी का कहना है, तो फटाफट से यार देखते हैं और क्या कर सकते हैं फटाफट। सो पहला टास्क हमारा ये, हमें इलेक्ट्रिसिटी ऑन करनी है, तो फटाफट से ऑन कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी ऑन। तो सामने हमारा होटल है वो दिखा रहा है, तो फटाफट से होटल की तरफ चलते हैं। और इतनी सारी फटिया किसे लगा रखी है भाई, इसको उतार के पहले यहाँ साइड में रख देता हूँ। एक काम करता हूँ, डस्टबिन में फेंकूँगा सीधा, यहाँ से अगर डस्टबिन में गई तो सब्सक्राइब कर देना यार, डस्टबिन से बाहर चले गई तो डबल सब्सक्राइब बनता है। एक को फेंक के देखता हूँ, नहीं यार छोड़, अपनी बस की नहीं है भाई, ये अपनी बस की नहीं, यहीं फेंक से साइड में फेंक। राइट, फटाफट से होटल खुल चुका है और भाई बहुत ही ज़्यादा गंदा है रूम हमारा, पता नहीं क्यों। बट पहले हमें प्लग स्विच लगाने है, प्लग ओ यार क्या हो गया, बोल है भाई, बोल इतनी हार्ड है कि पूछो कि एक यहाँ लगा, मिल चुका है यार स्विच, और स्विच को लगाना है हमें यहाँ पे। तो फाइनली हमारे मतलब कंप्यूटर और राइट गाइस, सेकंड काम है हमारा इस रूम को पूरा क्लीन करना, वो मेरे लिए बहुत दिक्कत वाली बात होने वाली है, बट कोई बात नहीं यार मैं तो। और राइट गाइस, फाइनली मैंने सारा रूम क्लीन कर दिया भाई, देख लो एक भी गंद नहीं है। और सेकंड टास्क है हमारा, तो ये बेड है ना, जो बेड को लगाना है, तो बेड को लगा देते हैं फटाफट से यहाँ पे बिल्कुल प्यारी सी जगह, या फिर रोटेट करके इधर लगा देता हूँ भाई, बिल्कुल कोने में, किसी को पता भी नहीं लगना चाहिए भाई हमारे पास बेड भी है एक। और यहाँ पे मैंने बेड लगा दिया जिसपे हमें सोना है, और जो कि सो के हमें ताकत मिलती है, मेरे को नहीं पता बट क्यों। तो सेकंड ताक हमारा किया भाई, रूम मतलब हमारे होटल को क्लीन करना, रूम नंबर 1। और रूम का रेंट आप देख ही सकते हो, सिंगल रूम $100, सेकेंड रूम है $120, मतलब डबल रूम या डबल बेड के लिए मतलब $120, सिंगल रूम के लिए $100 चार्ज करते हैं। बट रूम बहुत बहुत ही ज़्यादा गंदा है। तो ऑल राइट गाइस, फाइनली मैंने ये भी रूम क्लीन कर दिया पूरा का पूरा, बट यार रात बहुत हो चुकी है, तो एक काम करते हैं पहले हम जाके सो जाते हैं, और सुबह हमारा काम ये रहेगा भाई फटाफट से सामान, पहले सामान ऑर्डर कर देता हूँ उसके पास सोता हूँ भाई, क्योंकि सामान सुबह आ जाएगा ना, इसलिए फटाफट नहीं यार पहले सो ही जाते हैं, उसके पास सामान ऑर्डर करूँगा, रात को आराम से देखेंगे ना भाई क्या क्या देना है हमें, पूरा सोचना। तो और राइट गाइस, सुबह के बज चुके हैं 4 से ऊपर ही हो चुके हैं, और हमें फटाफट से अपने कंप्यूटर पे जाना और सारा रूम मतलब सारे रूम का सामान ऑर्डर करना है, जो भी रूम में लगने वाला है, डेकोरेटिव बेड बोर्ड जो मर्जी सारा कुछ ऑर्डर करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारे कंप्यूटर के सामने दिखा देते हैं हमारे होटल का नाम, आप जाके नाम बताना कमेंट सेक्शन में क्या रखना चाहिए। और हमारे गैस स्टेशन में भी खुल सकते हैं, 60 लीटर फ्यूल पड़ा है, तो एक काम करेंगे फ्यूल भी ऑर्डर कर देंगे और होटल भी ऑर्डर कर सकते हैं, शॉप भी है यहाँ पे, गैस स्टेशन भी, सारा कुछ के मतलब पूरे कंट्रोल से रखे हैं। तो यहाँ पे स्नैक्स तो भी ऑर्डर नहीं कर सकते हम, बट जो डिलीवरी है उसको ऑर्डर कर सकते हैं। एक काम करते हैं पहले क्या मतलब क्या ऑर्डर करना था मेरे को, तो सबसे पहले हमें ऑर्डर करना है डेकोरेटिव आइटम, मतलब जो भी मतलब होटल में लगता है भाई, बेड लेके सारा कुछ। तो मेरे को सबसे बढ़िया बेड लग रहा है भाई ये वाला, $49 का भाई, एक नंबर बेड लग रहा है, तो एक बेड ये मंगा लेते हैं।
और एक काम करता हूँ, बेडशीट ही मंगानी पड़ेगी इसके लिए, तो ब्लैक बेडशीट सबसे बढ़िया है, $15 की है भाई सारी की सारी, तो ब्लैक बेडशीट मंगा लिया हमने। ब्लैंकेट ही मंगाना है, तो ब्लैंकेट मेरे ख्याल से वाइट ही बढ़िया रहेगा यार, वाइट ब्लैंकेट सबसे बढ़िया है। और पिलो ही मंगाना, एक मेरे ख्याल से वाइट पिलो बेहतर। तो हमारा टोटल बिल बन चुका है और ऑर्डर कर देते हैं, हमने ऑर्डर कर दिया और भाई बिल्कुल $75 बचे हैं भाई, कितना यार कम अमाउंट है हमारे पास, बट कोई बात नहीं। तो फाइनली हमारी डिलीवरी आती ही, इतना मैं स्टोर रूम में जाके देख ही आता हूँ भाई हमारे पास क्या क्या पड़ा है, तो कुछ अगर अच्छा पड़ा होगा तो लगा देंगे, अगर नहीं पड़ा होगा तो यार वेट करना पड़ेगा। और क्या स्टोर रूम कहाँ पर है भाई, कहाँ पर है भाई स्टोर रूम, यही तो है, हाँ ये रहा वेयर हाउस, वेयर हाउस में देखना हम क्या क्या पड़ा है। तो ये तो भाई हो गया हमारा कुछ अलग वाला सामान, और ये सीलिंग टाइल तो यहीं पड़ी है, मैंने मंगवा ली हुई फालतू में, बट कोई बात नहीं, काम आ जाएगी। अरे किसकी आवाज़ थी भाई, ट्रैक्टर चलने की, अच्छा ये भाई फ्यूल भर के गया, जो कि अच्छी बात है, आराम से इसको यहाँ रख देते हैं, टीवी इसको ट्रॉली को ही ले जाएंगे भाई, पता नहीं टीवी की बात आ रहा है मेरे को, एक इसको ले जाते हैं भाई, इसको ले जाते हैं, इसको भी यहाँ रख देते हैं। और यार ये इसमें क्यों अटक जाता है बार बार, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। और इसको इसको भी, और लैम्प है भाई, ये लैम्प को भी लेके चलते हैं भाई, लैम्प और क्या क्या सामान, पेंट आराम से पेंट भी ले जाते हैं, दो बाल्टी तो पेंट लगना ही है मेरे ख्याल से रूम में, एक और पेंट की बाल्टी ले लेते हैं भाई, एक यस एक और ले लिया हमने, मेरे ख्याल से दो पेंट तो लगना ही लगना है। और इतना में हमारी मतलब डिलीवरी वाला भी नहीं आया भाई, लेट आएगा, मैंने बहुत ज़्यादा सामान ऑर्डर कर रखा है बहुत ज़्यादा, तो जब तक इसको लगाते हैं तो राइट लेके चलते हैं भाई से। यार ट्रॉली तो मस्त है भाई, देख रहे हो कितने आराम से इतना सारा सामान ले आया मैं, वरना यहीं से फेंक के मारना पड़ता और बाद में चकना पड़ता। और यहाँ पे छोड़ देते हैं, सबसे पहले पेंट करते हैं यार रूम में, पेंट ज़्यादा ज़रूरी है, तो एक काम करते हैं इसे रखते हैं, लैंप पहले लगाना जरूरी है भाई, पेंट तो बाद में होगा, जब अंधेरा होगा तो कैसे लगाऊंगा, तो फटाफट से एक लैंप हम लगा देते हैं यहाँ पे, यस ये लैंप बढ़िया लग रहा है। तो मैंने रूम के लिए लैंप दूसरा मंगा रखा है, बढ़िया वाला महंगे वाला, तो इसे लगा देते हैं टाइल्स। और राइट गाइस, सारी टाइल लग चुकी है भाई, पूरे फ्लोर पे टाइल लग चुकी है, और हमारी कुछ टाइल बच चुकी है जो कि हम बाद में लगा देंगे, इसको यहीं रख देते हैं। और एक काम करते हैं, पेंट का काम खत्म करते हैं, पेंट यस ये रहा पेंट भाई, पेंट लेते हैं और दीवारों पे करना स्टार्ट करते हैं। हम कहते हैं पहले सीलिंग वाइट कर देते हैं, सीलिंग अगर वाइट रहेगी ना बढ़िया रहेगा भाई, अगर सीलिंग तो हमेशा वाइट ही रहनी चाहिए, वाइट राइट यहाँ से हो चुका है। तो ऑल राइट गाइस, देख सकते हो मैंने लैंप यहाँ लगा दिया थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमें करना है पेंट, तो फटाफट से पेंट की वो निकाल लेते हैं बाल्टी और भाई फटाफट से पेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। और मेरे को ट्रक की आवाज़ आ रही है, लगता है हमारा डिलीवरी वाला ट्रक भी आ चुका है, जो कि अच्छी बात है। और पहले पेंट नहीं यार, पहले सामान देख के आ जाता हूँ भाई, क्या क्या आया, फटाफट चलते हैं। कहाँ पे यार आवाज़ आई थी यार आवाज़, सच्ची में यार ये रहा भाई, पूरा घुमा के लाया भाई ट्रक, क्या बात है यार, ऐसे बंदे होने चाहिए, पूरा घुमा के और कट मारेगा मेरे ख्याल से, यस कट मारा भाई। मैं काम करता हूँ अपनी वो ट्रॉली से ले आता हूँ, जिसमें हमारा सामान ले जाने में आसानी होगी थोड़ी, इसे यहीं खाली बात तो बेड आया भाई, अरे सोना नहीं है भाई, सोना नहीं है, तो बेड को तो मेरे ख्याल से मैं यहीं से फेंक के मार सकता हूँ आराम से, यूँ कुछ ज़्यादा ही दूर नहीं भाई, सुकर है भाई, छत पर नहीं गया, उन्हें छत से उतारता कैसे भाई मैं इसको, छोटे छोटे सामान। तो ऑल राइट गाइस, फाइनली मैंने अपना सारा रूम डेकोरेट कर दिया, पर बीच में लाइट चली गई थी यार, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाया, तो फटाफट से पहले लाइट ऑन कर देते हैं। और ये ऑन है भाई, लाइट अभी ऑन है, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं सोच रहा भाई बीच में लाइट चली गई, भाई कट सा लगा खतरनाक तरीके से, और मैं सोचा लाइट चली गई यार, लाइट ऑन करनी पड़ेगी, बट ऑन है। पर उससे पहले आपको फाइनली मैं रूम दिखा देता हूँ भाई, देखो ये रुक जरूर गलती होगी, किसी ने कुछ नहीं देखा, ठीक है किसी ने कुछ नहीं देखा। और अब मैं आपको दिखाता हूँ भाई, ये देखो यार पेंट रह गया यार बाहर का दो। तो और राइट गाइस, अब मैं आपको दिखाता हूँ भाई मैंने रूम कैसे डेकोरेट करा है, क्या करा अंदर कुछ। तो ये सबसे पहले हमारा डोर है, डोर को बंद करो, एक बार डोर के दिखा देता हूँ भाई, बड़ा महंगा डोर था, आपने देखा था भाई, कम से कम $60 का डोर था ये, और भाई बढ़िया लग रहा है, एक नंबर लग रहा है मेरे को तो। और फाइनली घुसते ही सारे पहले स्केलेटन की खोपड़ी, बाथरूम बंद करो बाथरूम, हाँ तो ये सिंपल सा गेट है बाथरूम का, और ये स्केलेटन की खोपड़ी जो कि बहुत ही बढ़िया लग रही है भाई मेरे को यहाँ पे। और रूम देख सकते हो, एक वॉल बिल्कुल डिफरेंट है, और यहाँ पे मैंने कर्टेन भी लगा दिए, एक क्लॉक भी लगा दिया,
और यहाँ पे हमने एसी भी लगा दिया और साथ साथ वो मतलब हीटर भी लगा दिया, देख लो सारी चीज़ें फैसिलिटी बिल्कुल अवेलेबल है। और एक लैम्प पे एक पौधा है क्योंकि भाई हरियाली होनी चाहिए रूम में, ठीक है, तो एक लैम्प पे एक रूम फ्रेशनर भी लगा दिया, एक चेयर है और एक बेड है हमारे लिए सिंपल सा, एक पेंटिंग है। मेरे ख्याल से पेंटिंग को मेरे ख्याल से यहाँ लगाना चाहिए, ए यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया लग रहा है भाई, सोते हुए दिखेगी आराम से। और वैसे जैसे हम बाथरूम खोलते हैं तो एक सिंक है, एक वॉशरूम, और वॉशरूम को निकल गया यार, एक वॉशरूम मतलब यार टॉयलेट सीट है, और एक हमारे पास ये टॉयलेट पेपर होल्डर है, और ये बाथरूम है जिसमें एक, अरे कर्टन, कर्टन उतर गया यार, कर्टन नहीं उतारना अभी, तो पैसे पूरे नहीं हुए हमारे। और यहाँ पे मैंने बहुत चीज़ रखी, ड्रॉ ले रखा है, ड्रॉ के अंदर मैंने सिंपल सा रख रखा है एक कोलगेट और एक टॉवल, एक शैम्पू, एक रूम फ्रेशनर और एक ये पता नहीं क्या हैंड सोप, हाँ हाथ धोने का एक, जो कि बहुत अच्छी बात है भाई। हमने सारा कुछ रख दिया और हम फाइनली अपना होटल ओपन कर सकते हैं। अब जाके यार होटल को ओपन करते हैं यार, बड़े दिन हो गए हैं यार, मतलब बहुत टाइम लग गया भाई इसमें, मेरे $1400 इसमें खर्च हो चुके हैं और कम से कम 300 मिले हैं, और बीच में $200 तो मेरे को रिवार्ड मिला है इसलिए 300 लग रहे हैं आपको। तो फटाफट से हम ऑन कर देते हैं कंप्यूटर को, अपने होटल को भी ऑन करते हैं, गैस स्टेशन को भी ऑन कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद एग्जिट करते हैं, वेट करते हैं भाई कस्टमर का। ऑल राइट गाइस, मैं अपना काम ही कर रहा था और सामने से एक मस्टैंग आ रही है भाई, प्रॉपर मस्टैंग है भाई, प्रॉपर मसल्स का आ रहा है इसमें से भाई। एक आदमी है भाई, ये कौन है, मोटल स्काउट तो नहीं है भाई, इनके पास होती है मस्टैंग और या फिर कोई और है भाई, बहुत ही ज़्यादा मतलब रेड कलर की क्या मस्टैंग आई है, और साथ में पुलिस भी आई यार, टेंशन मत लियो भाई, मतलब सिक्योरिटी भी आई है बिल्कुल भाई, यार गड्डी की तो खतरनाक है, और भाई देख रहे हो बंदे की चाल चूल सारी खतरनाक है, और पुलिस वाले भी साथ में आए भाई इसके, है यार रुतबा तो है बंदे का। तो फटाफट से काम करता हूँ यार, यहाँ पे जाके खड़ा हो जाता हूँ, हाँ तो मैं बिल्कुल यार होटल का मालिक हूँ तो यहाँ मेरे को खड़ा होना चाहिए। और यार छोटा सा कंप्यूटर है और ऑफिस में बंदा आ चुका है, और मेरे को असल चाबी देनी है इसे, तो चाबी ले देता हूँ फर्स्ट रूम की। और फर्स्ट रूम में जाने भाई सर जी देखो बिल्कुल लग्जरी रूम है, ऐसा रूम नहीं मिलने कहीं पर भी, और इसे बात कर लेते हैं भाई पहले। और ये टेक दिस रूम, और ये कितने में ले रहा है भाई, $500 का रूम ले रहा है भाई ये, $500 का। यार एयर कंडीशनर की हमारी गलती हो गई आउटडोर यूनिट के, और 96 आवर के लिए ले रहा है भाई ये रूम कम से कम, मतलब मेरे को नहीं पता यार कितने दिन होते हैं, आप जाके देख लेना, बट यार बहुत ही बढ़िया डील मिली है, तो $500 दे देते हैं। और भाई $150 टिप दिया भाई इसने, $1000 तो यूँ ही कर दिया भाई मेरे, कौसम से भाई बंदा बड़ा सही है भाई। और इन्हें मेरे ख्याल से डोर लॉक कर ले, यहाँ से देख सकता हूँ मैं, हाँ क्या कर रहा है भाई ये, अभी तक अंदर तक नहीं गया भाई, यही साइड में खड़ा हो चुका है, बट यार बंदा बड़ा अमीर था यार कसम से कह रहा हूँ। तो आई होप गाइस आपको वीडियो छोटी को लाइक कर देना और